विजिट कीजिए amitkukrejatech.com वेबसाइट को FOTA अपडेट्स और एंड्रॉइड ऑडियो रिलेटेड न्यूज के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे पूछा कि क्या गैलेक्सी J7 Max को एंड्रॉइड ऑडियो अपडेट मिलेगा, और अगर उसे मिलेगा तो कब एंड्रॉइड ऑडियो का अपडेट J7 Max को मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके रिसेंट FOTA अपडेट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। डायरेक्टली टॉपिक पर बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी J7 Max लॉन्च हुआ था 2017 जून के मंथ में, और एंड्रॉइड सैमसंग ये नोगट पर लॉन्च हुआ था। और अगर मैं उसके रीसेंट FOTA अपडेट के बारे में अगर बात करूँ तो कल ही उसको FOTA अपडेट मिला है, जिसकी साइज थी 236 MB, और उसके साथ J7 Max की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है और J7 Max को अप्रैल सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। तो अगर मैं सैमसंग J सीरीज के अपडेट पॉलिसी के बारे में अगर बात करूँ तो आपको पता है कि सैमसंग अपने J सीरीज के फोन्स को एक मेजर अपडेट तो प्रोवाइड करता है। तो गैलेक्सी J7 Max को इधर कन्फर्म एंड्रॉइड ऑडियो का अपडेट देखने को मिलेगा, और अगर मैं कोई कन्फर्म डेट के बारे में इधर बात करूँ या कब J7 Max को इधर एंड्रॉइड ऑडियो का अपडेट देखने को मिल सकता है, तो इधर जुलाई, अगस्त और सितंबर के टाइम पे गैलेक्सी J7 Max को ऑडियो का अपडेट देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि अगस्त के टाइम पे आपको कन्फर्म एंड्रॉइड ऑडियो का अपडेट अपने गैलेक्सी J7 Max को देखने को मिलेगा, और अगर डिले हो जाता है तो आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, या तो आपको जुलाई या अगस्त के मंथ में आपको एंड्रॉइड ऑडियो का अपडेट गैलेक्सी J7 Max में देखने को मिलेगा। अगर आप गैलेक्सी J7 Max के एंड्रॉइड ऑडियो अपडेट से रिलेटेड और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जिधर आप जाके गैलेक्सी J7 Max के एंड्रॉइड ऑडियो के रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जयर के साथ बने रहिए, एंड्रॉइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की नॉन स्टॉप टेक न्यूज, OTA स्टोरीज और टेक से रिलेटेड कंटेंट के लिए।